नहीं, आईएनएस के नहीं, मैंने अभी प्लॉट लिया है। अच्छा, और मैंने आपसे 3 महीने पहले एक शॉप ली थी, RW8। अच्छा। तिलक राम मेरा नाम है सर। अच्छा, अच्छा। और अब तो रेट 10,000 प्लस हो गया हमारी शॉप के तो। अरे तभी आपके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। प्लॉट देखने आया हूँ दूसरी बार और मुझे लगा कि कॉलोनी बहुत अच्छी कट रही है ये, और इसमें इन्वेस्टर का भी फायदा है और रेजिडेंशियल में भी आपको जो है काफी फायदा है। लोगों के डाउट्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। सबसे पहले आप कंपनी के पेपर्स को ही वेरीफाई करें, तभी यहाँ पर विजिट करें। पहले दिए गए नंबर पर जब कॉन्टेक्ट करें तो पेपर अपने व्हाट्सएप पर मंगा लीजिए और चेक कर लीजिए उनको लीगली कि सारी चीजें क्लियर हैं। एयरपोर्ट के आसपास सराउंडिंग एरिया में जो प्लॉट के दाम है यानी जमीनों के जो दाम है वो लगातार बढ़ने लगे हैं। हम आए नरेना से सर। आउटर दिल्ली से बिल्कुल जो हरियाणा से टच होता है। जगह में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। के आसपास की सारी लोकेशंस घूमने के बाद जब वो आईएनएस बिल्टेक पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि वो चीजें जो 18,000 में वहां पर जो चीजें दी जा रही हैं वो यहां पर उससे बिल्कुल आधे रेट पर मिल रही हैं। नमस्कार, मैं अकरम खान, द न्यूज गेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका इनॉग्रेशन कर चुके हैं, और उसके बाद से एयरपोर्ट के आसपास सराउंडिंग एरिया में जो प्लॉट के दाम है यानी जमीनों के जो दाम है वो लगातार बढ़ने लगे हैं। क्या वजह है कि एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होते के साथ ही कि लगातार यहाँ पर दाम बढ़ने लगे? क्या ऐसा तो नहीं कि अगर दाम बढ़ रहे हैं वहाँ पर तो सिर्फ एयरपोर्ट ही एक अट्रैक्शन है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जो बातें सामने आई हैं उसमें 5-स्टार होटल्स हैं, कमर्शियल हब्स हैं, नाइट सफारीज हैं, इस तरह के बहुत से अट्रैक्शंस हैं जिनको सोचकर जिनके मद्देनज़र ये सारे मामला सामने आने लगे हैं। क्या वजह है कि पब्लिक का तांता दिल्ली NCR पूरे भारत से लोग यहाँ पर आने लगे हैं, प्लॉट बुक करा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी मैंने सारे प्रोग्राम्स किए थे, पब्लिक के फीडबैक भी लिए थे और आज के प्रोग्राम में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि पब्लिक फीडबैक लेंगे कि क्या उनको समझ में आ रहा है, क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, क्या वजह है कि दाम इसके लगातार बढ़ रहे हैं। और जो INS कंपनी है यहाँ पर जो इधर प्लॉटिंग कर रही है, एक INS कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन अट्रैक्शन और खिंचाव यहीं पर ही क्यों नजर आ रहा है? कंपनी के जो रिप्रेजेंटर हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या वजह है, क्या प्लान है और कौन कौन सी कारण है जिनकी वजह से लोग यहाँ पर अपना प्लॉट बुक कर रहे हैं। वैल्यूएबल कमेंट्स अपने जरूर दीजिएगा इसमें। चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। आगे इधर होगा कोई ना कोई, जरूर मिलेगा, उनसे बात करेंगे। इधर देखिए, इधर बैठे हुए, इधर पूरा प्लान है। आइए आइए, समझते हैं समझते हैं, क्योंकि जो रैंडम एक है मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सबसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर कैसा लग रहा है पूरा प्लान? क्या बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के, इनका सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा, कहाँ से आना हुआ आपका? हम आए नरेना से सर। अच्छा, आउटर दिल्ली से, बिल्कुल जो हरियाणा से टच होता है। जगह में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, गाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं है, और जगह प्लेन है, एकदम बहुत बढ़िया है, साफ सुथरी है। अच्छा, तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं रिहायशी रहने की? हम तो सर ऐसा है दोनों तरीके से देख रहे हैं। अच्छा, दिलवा भी रहे, ले समझ भी आ रहा है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया लगी जगह सर। चलिए चलिए, ये इनकी जो समझने की जगह है उसको देखें। आपका कहाँ से आना हुआ दोस्त? ये मैं। अच्छा, आप कंपनी के कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ सर। INS के तो नहीं है? नहीं नहीं, INS के नहीं, मैंने अभी प्लॉट लिया है। अच्छा, और मैंने आपसे 3 महीने पहले एक शॉप ली थी, RW8। अच्छा। तिलक राम मेरा नाम है सर। अच्छा, अच्छा। और अब तो रेट 10,000 प्लस हो गया हमारी शॉप के तो। अरे तभी आपके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। जी सर, जी चेहरे पर खुशी तभी। हाँ, तो अब आगे क्या इरादा है? बस अब आए हैं आज शॉप पर और हमारे साथी हैं, कह रहे हैं भाई आपने लिए तो हमें भी दिलाइए। मगर जी आपका भी स्वागत है, बस धन्यवाद आपका। तो और भाई साहब आप भी इन्हीं के साथ हैं या आप अलग हैं? जी इन्हीं के साथ है, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैंने भी यहाँ पे अपना प्लॉट परचेज किया हुआ है और काफ़ी अच्छा माहौल है। एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है, फिल्म सिटी यहाँ बन रही है, आने वाले समय बहुत तरक्की है। और जब मैंने लिया है तो मेरे को जान पहचान लोग पता लगा मैंने प्लॉट लिया, तो उन्होंने मेरे से भी कहा कि आप भी हमें प्लॉट दिला दिए। तो बस आज अपने कुछ दोस्तों को मैं यहाँ पर लेकर आया विजिट कराने के लिए, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और रेट बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ रहा है। और INS बिल्टेक कंपनी जो है इसका रेट अगर बात करें आसपास के एरिया में तो इनका रेट बहुत सही है, और इसी का कारण है कि आज यहाँ पर इतनी सारी जो गाड़ी खड़ी है, इतनी सारी मतलब अगर बात करें तो 450 बीघा जमीन मात्र 5 महीने के अंदर में सेल आउट कर दी, तो बहुत जबरदस्त है। कंपनी का सारा लीगल जो डॉक्यूमेंट है बहुत नंबर 1 है, क्योंकि
जो शिलान्यास हो ना एयरपोर्ट का, उसके बाद से ज्यादा पब्लिक अडाने लगी। जब मोदी जी योगी जी यहाँ पे आ गए हैं तो उसके बाद में तो लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर में जो सबसे ज्यादा जो महंगाई जो तरक्की जो आने वाली है इसी एरिया में आने वाली है। जी थैंक यू। बड़ा श्योर आपने कह दिया। क्यों भाई साहब, इधर आइए। क्यों भाई साहब कह रहे हैं कि यहीं पर ही विकास होने वाला है? नहीं, डेफिनेटली सुरेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माई सेल्फ दिलीप कुमार फ्रॉम बिलोंग टू फ्रॉम गाजियाबाद, और मैं एज ए इस कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजर हूँ INDS बिल्टेक के अंदर। और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होने जा रहा है। जब हम लोग 5 महीने पहले आए थे उस माहौल में और आज के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है, और रेट्स में बहुत अच्छा वो है। अब जो कंपनी के रिप्रेजेंटेंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे, इस पूरे प्लान को समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, और जो जो डाउट्स हैं आप लोगों के उन डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा इकराम। जी जी जी, बताइए कहाँ से आना हुआ और क्या रिएक्शन, बताइए क्या है इधर का? चांदनी चौक से आए हम लोग। लोकेशन अच्छी है और प्लॉटिंग जो यहाँ देखने आए हम लोग, साइट अच्छी है, तो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है यहाँ जगह लेने का। जिस तरीके से पूरा एरिया डेवलप हो रहा है और पूरी प्लानिंग है गवर्नमेंट की, ये सारी चीज़ें और सब पूरा सब उसी में, क्योंकि आसपास देख रहे हैं जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं सब इस पूरे एरिया में एयरपोर्ट के आसपास सब लैंड ले रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है ये जो है इतना आउटपुट आपको देगी 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में? क्यों नहीं देगी, बिल्कुल देगी। जब गवर्नमेंट इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो बिल्कुल आएगा इम्प्रूवमेंट। तो आपका क्या सीन है, आप भी ले रहे हैं क्या? आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से रिहाइश के लिए? नहीं, रिहाइश। अच्छा, रिहाइश के लिए। जी चलिए ठीक है। तो अभी देखा? हाँ देख रहा है अभी। अभी देख रहे हैं। चलिए जी साहब, आप कहाँ से? जी मैं भी दिल्ली से हूँ। और मैं प्लॉट देखने आया हूँ दूसरी बार, और मुझे लगा कि कॉलोनी बहुत अच्छी कट रही है ये, और इसमें इन्वेस्टर का भी फायदा है और रेजिडेंशियल में भी आपको जो है काफी फायदा है। अच्छा, ये आपको कैसे लगा कि कॉलोनी कट रही है, ये अच्छी होगी? नहीं, ये तो हमने देखा कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट के प्लान आते हैं तो वहाँ पर रेट एकदम आनन फानन बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पे 5-स्टार होटल आ रहे हैं और सफारी आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वीवो आ रही है जैसे सुना है हमने, तो ये सब कंपनियां जब आएंगी तो यहाँ का रेट जो है ना बहुत हाई हो जाएगा। चलिए, जो आने वाला वक्त है वो जी बहुत हाई हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, इनका है कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहे हैं, कुछ रिहायशी नज़रिए से इसको लेकर चल रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कई सारे आप इसके ऊपर प्रोग्राम दिखाए हैं, और जो रिएक्शन थे पब्लिक के वो रैंडमली लेता हूं मैं, अचानक से जाकर लोगों से जो रिएक्ट है वो करने की कोशिश करता हूं कि क्या सोच रहे हैं, क्या सोच कर आए, सब गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग्स हैं अलग अलग, क्योंकि इससे पहले भी इस वीडियो में आपने देखा होगा और भी जो सारी पूरे जो जो प्लानिंग्स हैं वो सब टाइम टू टाइम पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारी चीज़ें आ रही हैं। आइए समझें, जाने और देखते हैं क्या क्या आई है। INDS कंपनी के जो रिप्रेजेंटेंट है भूमि साहब हमारे साथ है। भूमि साहब आपका हर मकदम स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, क्या बात है, क्या खास बात है कि पब्लिक आ रही है, और पब्लिक आखिर क्यों ले? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है मेरा। बिल्कुल सर, देखिए इस लोकेशन पर हमने पहले भी बताया है, जो लोगों का रीजन है ना वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आसपास की सारी लोकेशंस घूमने के बाद जब वो INDS बिल्टेक पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि वो चीज़ें जो 18,000 में वहां पर जो चीज़ें दी जा रही हैं वो यहां पर उससे बिल्कुल आधे रेट पर मिल रही हैं, और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। यहां पर रजिस्ट्री आप चेक करें, जो है यहां का दाखिल खारिज चेक करें, कंपनी के सारे पेपर्स चेक करें, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें कि पिछले 6 सालों के अंदर जो कंपनी ने सोसाइटी बनाई है वो डिलीवर की है, पिछले जितने बायर्स हैं उन लोगों से आप बात करें, उन लोगों को सही टाइम पे पोजीशन मिला है कि नहीं मिला है, रजिस्ट्रीज टाइम पर मिली है कि नहीं मिली है, या EMI को लेकर कभी परेशान किया गया हो या किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम आई हो, तो वो चीज़ नहीं आई है, इसलिए INDS बिल्टेक पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पर लेते हैं। दूसरी चीज़, ये जो प्रोजेक्ट है ड्रीम होम्स या ड्रीम होम्स 2 हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, इस पर ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से। एयरपोर्ट का कितना ज़्यादा काम चल रहा है, लोग अपडेट बराबर न्यूज़पेपर में भी लेते रहते हैं, न्यूज़ हमारी डायरेक्ट उन्हें बताती रहती है कि कितने तरीके से काम चल रहा है वहाँ पर। फिल्म सिटी भी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है, और भी जो इस लोकेशन पर डेवलपमेंट आ रहे हैं बराबर, आप हर वीक देखें तो 2 से 3 कंपनियाँ या 4 कंपनियाँ और एक नया इंडस्ट्री या कुछ ऐसी चीज़ें इस लोकेशन पर लगने के अपडेट अक्सर आते रहते हैं, जो इस लोकेशन पर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दिल्ली NCR क्या, पूरे इंडिया की हर लोकेशन से लोग यहां आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को भी रहता है इनसिक्योरिटी का रहती है, क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पब्लिक
कि सवाल आते हैं और कमेंट्स में आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चीज लें और गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर ले या हम जमीन लें कहीं कंपनी कुछ और कर ले या कोई और कब्जा कर ले, एक एक प्लॉट के ऊपर कई रजिस्ट्री हो जाए, ये तीन चार सवाल हैं। बिल्कुल सर, देखिए लोगों को ना दिल्ली एनसीआर या इंडिया के अंदर बहुत सारी लोकेशन पर लोगों के साथ जो चीजें हुई है ना मिस हैपनिंग्स, उसकी वजह से लोगों को डाउट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। और INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड या हमारी कंपनी का मेन फोकस ये रहता है कि उन लोगों के अंदर जो डाउट्स है पहले वो डाउट्स क्लियर हो। उसके लिए हम लोगों ने जो प्लान ही रखा है वो इस तरह सेट किया है कि लोगों के डाउट्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। सबसे पहले आप कंपनी के पेपर्स को ही वेरीफाई करें, तभी यहां पर विजिट करें। पहले दिए गए नंबर पर जब कॉन्टैक्ट करें तो पेपर अपने व्हाट्सएप पर मंगा लीजिए और चेक कर लीजिए उनको लीगली कि सारी चीजें क्लियर हैं, फिर विजिट करिए। और जो हमारा पेमेंट प्लान कहता है कि 30% डाउन पेमेंट पे आपको पजेशन लेना है, यानी आप कब्जा ले सकते हैं, बाउंड्री करा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सिर्फ 30% में ही आपको पजेशन का अधिकार कंपनी दे देती है। और 40% देते ही आप अपने प्लॉट का बैनामा या रजिस्ट्री कंपनी जो है यहाँ की तहसील के द्वारा करवा सकते हैं सिर्फ 40% पे, और बाकी का पेमेंट EMI के थ्रू कंपनी पे आता है। तो कंपनी आपको लीगली इतना मजबूत पहले से करती है, जिस तरह किसी तरीके के डाउट्स नहीं आते। दूसरी ये चीज कि जो लोगों को डर रहता है कि हमारे प्लॉट पर कहीं किसी का कब्जा ना हो जाए, क्योंकि अगर साइट आपके दूर है आपके घर से आप डेली यहाँ पे नहीं आ सकते, तो लोगों को डर रहता है। तो उस चीज को हम दूर करते हैं, पूरी अपनी रजिस्ट्री के अंदर हम ये लिखित गारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपके प्लॉट पर किसी प्रकार का किसी का कोई कब्जा नहीं होगा, कोई व्यक्ति आपके प्लॉट पर कोई कब्जा नहीं कर सकता अवैध प्रकार का। वो पूरी हमारी कंपनी INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड आपको लिखित गारंटी रजिस्ट्री के अंदर प्रोवाइड रिटर्न में देती है, रिटर्न में आपके रिटर्न में देती है। क्लाइंट की रजिस्ट्री हमारी चेक करिए, हमने रिटर्न में स्पेशली उसको मेंशन किया उस चीज को कि हम पूरी तरीके से आपकी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब तक पूरी सोसाइटी ये डेवलप नहीं कर जाएगी, जब तक लोग यहाँ पर रहने नहीं लगेंगे पूरी तरीके से, और ये सोसाइटी को आपके लोग खुद मैनेज नहीं करने लगेंगे, तब तक INS बिल्टेक पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक चीज और बताइए उम्मीद साहब के आगे चलते हुए बात करें कि अगर लोग यहाँ पर आना चाहें तो वो किस तरीके से आए, क्योंकि दूर बहुत पड़ता है और कोई जो कन्वेंस है अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए दिल्ली NCR की सारी लोकेशन से हमारी कंपनी फ्री पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जो लोग भी दिल्ली NCR से देख रहे हैं और वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो सिर्फ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है उनको, और इस लोकेशन पर आने के लिए वो अपने लिए फ्री पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी बुक करा सकते हैं। आपको कैब आपकी लोकेशन पर दी जाएगी, उसके थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं और कैब आपके घर तक आपको ड्रॉप करेगी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो इतनी पब्लिक है, ये अट्रैक्ट कंपनियां और भी कर रही हैं आसपास है, प्लॉटिंग कर रही हैं, लेकिन आपके यहाँ ही क्यों इतनी भीड़ रहती है? बिल्कुल सर, उसका रीजन ये है कि पिछले मैंने पहले भी बताया कि जो 6 साल के अंदर हमने अब तक तकरीबन 38,000 प्लस जो कस्टमर्स हैं सेटिस्फाइड कस्टमर्स, उनको जो अब तक रजिस्ट्रीज प्रोवाइड करी है, उनको जो पजेशन ऑन टाइम प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो कंपनी पर इतना ज्यादा है कि लोगों के रिलेटिव्स और बहुत सारे लोग जो है इस लोकेशन पर आते रहते हैं और वो लोग जो है यहाँ पर प्लॉट परचेज करते रहते हैं। और दूसरी चीज है कि 30% पर कोई भी कब्जे की गारंटी नहीं देता है, 40% पर कोई भी रजिस्ट्री प्रोवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो EMI सिस्टम भी है कंपनी का, उसकी वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा आसानी के साथ प्लॉट परचेज कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी का अब ये बताइए जो बड़ा अट्रैक्शन रहता है कि मिनिमम कितना लिया जा सकता है और क्या प्राइस है? बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा यूनिट हमारे पास है वो 50 गज का सबसे छोटा यूनिट रहता है। रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों टाइप के यूनिट यहाँ पर रहते हैं और 50 गज सबसे छोटा यूनिट है। उससे बड़ा 100 गज, 200 गज, 500 या 1000 या कोई भी बड़ा साइज यहाँ पर आप ले सकते हैं। प्राइस कहाँ से शुरुआत होती है? रेट जो स्टार्ट है, हमारी जो नई साइट अभी लॉन्च हुई है उसमें रेट 9,200 रुपए प्रति गज से रेजिडेंशियल में स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये बढ़ गया, 76 था पहले वाले में, 70 जो ड्रीम होम्स हमारा वन है उसमें 7,600 रुपए गज से रेट स्टार्ट हो रहा था, और अभी जो ड्रीम होम्स 2 हमारी ये साइट लॉन्च हुई है इसमें 9,200 रुपए प्रति गज से रेट स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है, वहां पर उद्घाटन किया गया है, तब से जमीनों के रेट इतनी तेजी से ऊपर भाग रहे हैं इस लोकेशन के। जो पुराने बायर्स हैं वो और ज्यादा यहाँ पर परचेज करने के लिए और भीड़ के साथ आ रहे हैं। अच्छा भाई, आज लोन की क्या फैसिलिटी है आपके, किस किस तरीके से लोग ले सकते हैं और कोई बैंक है या कंपनी है आपकी जो तरीके से देती है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दो सिस्टम है सर। एक तो वो सिस्टम है जिसमें आप लोन करा सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। दूसरा एक इंटरेस्ट फ्री EMI का सिस्टम कंपनी आपको दे रही है जिसके थ्रू आप ब्याज से बच सकते हैं, पेनाल्टीज से बच सकते हैं और बहुत सारी टेंशन से बच सकते हैं। तब अगर आपको बैंक के लोन के थ्रू जाना है तो 40% करने के बाद आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं और रजिस्ट्री के बाद अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें इंटरेस्ट रहेगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड मैं आपको बता दूं, इसमें 30%
में देने के बाद, यानी 30% डाउन पेमेंट दीजिए और बाकी का 70% जो अमाउंट है उसको आप 30 महीने की आसान और ब्याज मुक्त किश्तों के जरिए कंपनी को पे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ मुइन साहब, क्योंकि मैं देखिए मीडिया वाला हूँ, आके करता हूँ, मैंने पब्लिक रिस्पॉन्स भी लिए, पब्लिक रिएक्शन भी लिए, कोई ऐसी चीज हो जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आपके यहाँ कोई ऐसी? हाँ देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, मैं पूरे दिल्ली एनसीआर या जहाँ से भी लोग ये देख रहे हैं ना, सबसे कहना चाहूँगा आप यहाँ पर लेंगे या नहीं लेंगे वो अलग बात है, लेकिन जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर सबसे पहले उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगें, उनसे लीगल पेपर्स मांगें कि आप जो ज़मीन बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो पेपर्स दीजिए। जिस कंपनी के पास आप जाते हैं क्या वो पेपर्स उस कंपनी के नाम पर है या नहीं? मेरी कंपनी है आई एंड एस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये ज़मीन आई एंड एस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है या नहीं? दूसरी बड़ी चीज़, जो भी आप पेमेंट करें डायरेक्टली किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली किसी पेमेंट जो कर रहे हैं किसी अमित कोई भी बंदा है उसके नाम पर कर रहे हैं या डायरेक्टली कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, जो भी पेमेंट करें आप कंपनी के ही करंट अकाउंट्स में करें, जिससे आप बहुत बड़े फ्रॉड होने से बच सकते हैं। चाहे ये कंपनी हो चाहे कोई दूसरी कंपनी हो, आप सिर्फ कंपनी के आई एंड एस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के करंट अकाउंट पे ही पेमेंट करें, मुझे कोई पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी साहब, शुक्रिया। देखिए बहुत अच्छे से सारा प्लान डिस्क्राइब किया उन्होंने, एक एक चीज़ सारी बता दी है कि क्या क्या वजह रही है। आखिर में ये बात पूछना चाहूंगा, कौन कौन से अट्रैक्शन है जो यहाँ पर आने वाले हैं और जिनके काम शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल सर, देखिए ये जो लोकेशन है बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से 500-700 मीटर की दूरी पर बिल्कुल ये लोकेशन है, टप्पल जेवर ये लोकेशन कहती है, और इस लोकेशन पर अलीगढ़ पलवल हाईवे के बिल्कुल सटा हुआ ये हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गेटेड सोसाइटी है, यहाँ पर बनने की वजह और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो रीजंस हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न आपको पहले भी पता है कि वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका काम शुरू हो चुका है, बाउंड्रीज स्टार्ट हो चुकी है और बाकी दो रनवेज के काम स्टार्ट हो चुके हैं। 2024 के अंदर दो रनवेज स्टार्ट होने हैं और जिससे इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले यहां पर फिल्म सिटी के अंदर शूटिंग स्टार्ट करने की बात गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होगी उससे पहले पहले यहां की जो फिल्म सिटी बन रही है, जो मुंबई की फिल्म सिटी से दो गुना बड़ी फिल्म सिटी बनाई जा रही है, उसके अंदर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट मींस 2024 तक आपकी हर हाल में फिल्म सिटी के अंदर भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके अंदर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ यहां पर तकरीबन 35 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और उनमें भी कुछ फ्लोर्स रेडी हो जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज और जो अक्सर आप न्यूज़पेपर कटिंग्स में देखते रहते होंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने यहाँ पे लगाना चाह रही हैं, जिनकी तादाद 3000 से ज़्यादा है, वो सारी कंपनीज भी कहीं ना कहीं अपना कंस्ट्रक्शन इसके बीच में स्टार्ट करने जा रही हैं। तो बड़ा सारा डेवलपमेंट आपको अलीगढ़ पलवल हाईवे के किनारे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ देखने को बहुत जल्दी से मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए जो कंपनी के रिप्रेजेंटर हैं उन्होंने एक बात बताई है कि क्या क्या यहाँ पर अट्रैक्शंस रहे हैं, और वो मैंने ही नहीं बल्कि उन्होंने ही नहीं, इससे पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स रही हैं सारी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या प्रिंट मीडिया की हो, वो सारी की सारी सब सामने आपके आई थी। देखिए मैं लोगों के पास गया हूँ, एक रैंडमली रिएक्शंस लिए हैं, उनके व्यूज लेने की कोशिश की है, और जो कंपनी के जो प्लान्स हैं वो भी सारे इधर समझाए हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं आपको खुद ही यहाँ पर आकर देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियोस में खैर नहीं पॉसिबल हैं कि इन सब चीज़ों को सारा बताया जाए, क्योंकि आप आओगे यहाँ पर तभी आपको पता लगेगा। और बार बार ये बात कही जा रही है कि उसकी जो लीगैलिटी है वो चेक कीजिए, सारे पेपर्स मंगाइए, उसके बाद तब कहीं एक कोई स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आदाब, नमस्कार।